और एक बार फिर से एल्विश यादव की बात करते हैं। एल्विश यादव पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद लामा ने एल्विश यादव से खास बातचीत की, देखिए। और सुबह उठ के मैंने देखा कि ऐसे मीडिया में फैल रखी है खबर की एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव ने ये उनके साथ पकड़े गए, उसके साथ पकड़े गए। तो भाई ये सारी चीजें एक तो फेक है, एब्सोल्युटली फेक। 1% भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं ना इन चीजों में ना किसी भी इलीगल एक्टिविटी में। तो जो मेरा नाम खराब किया जा रहा है ये है बेबुनियाद, और जिनने भी कराया वो चलो पुलिस पकड़ लेगी उसको जो भी नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, बाकी मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो राहुल नाम का सदस्य था जिससे रेप पार्टी की बात की गई थी एल्विश, उसका नाम किस तरह से आपका नाम इस्तेमाल किया, आप उस राहुल को जानते हैं? भाई मैं किसी को नहीं जानता इनमें से, मैंने अभी नाम एफआईआर कॉपी पर देखी, मैंने उसमें जितने भी नाम थे मैं उनमें से ना किसी को जानता ना मेरा इनसे कोई लेना देना, दूर दूर तक मेरे अननोन कॉलर्स ही बंद हैं। और जो भी मेरा नाम ले रहे हैं भाई ये सीधा सीधा मेरी इमेज नेगेटिव करने के चक्कर में हो रहा है और कुछ भी नहीं। आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, बट फिर भी इनका मकसद यही है कि मेरा नाम इन्वॉल्व कर रहे हैं इन चीज़ों में। एक सांप का वीडियो भी वायरल है आपका, जो अब इस पुलिस की एफआईआर की कॉपी के साथ जो न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है, कोई सांप था किसी पार्टी में इस्तेमाल किया गया? भाई 6 महीने पहले जो फाजिलपुरिया भाई है राहुल भाई, उनका वीडियो शूट था गाने का, वो ऑनलाइन गाना मिल जाएगा आपको 32 बोर नाम से, उस गाने में शूट के लिए आ रखे थे वो सांप, और मैंने अकेले ने नहीं सबने वीडियो बनाई थी नॉर्मल वीडियो की, सांप है कंटेंट मिल जाएगा उस चक्कर। और इसके अलावा अगर मैं ठीक है आपने कह दिया एल्विश, एक बात और आपसे मैं जानना चाहूंगा, नोएडा की जिस लोकेशन की बात हो रही है जहां पर ये रेप पार्टी थी, कल क्या आप मौजूद थे उसकी लोकेशन के बारे में आप बता पाएंगे, कल कहां थे आप? मैं था बॉम्बे में, मैं 1 महीने से बाहर ही हूँ, लंदन था फिर स्कॉटलैंड था, उसके बाद मेरे लगातार इवेंट्स थे, अहमदाबाद था फिर इंदौर था और बॉम्बे था मेरा, मैं घर भी बड़ी मुश्किल से गया हूँ, गुड़गांव भी मेरे हिसाब से 1-2 घंटे के लिए गया हूँ, अगर आप देखोगे तो ब्लॉग से पता लग जाएगा मैं बाहर ही रहता हूँ। कल की लोकेशन आपकी नोएडा नहीं थी? नहीं, बॉम्बे बॉम्बे। और ये जो आरोप थे राहुल, जिन सदस्यों के नाम आपके पास भी एफआईआर की कॉपी होगी या फिर फोन कटने के बाद मैं भेज दूंगा, इनमें से किसी को आप जानते हैं? हेलो एल्विश, आप तक आवाज आ रही है?